दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इंग्लैंड के बाद अब वेस्टइंडीज पहुंची भारतीय टीम। शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, युजवेंद्र चहल के साथ साथ पहुंचे कई दिग्गज खिलाड़ी। वेस्टइंडीज आखिरकार कैसे भारतीय टीम के ये सब सितारे वेस्टइंडीज पहुंचे और वहां पर जाकर कैसे इन्होंने अपनी जमकर तैयारियां की, ये सब तो हम आपको आगे इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप महेंद्र सिंह धोनी और किरण पोलार्ड में से किसको सिक्सर किंग मानते हैं, उसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अभी भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया है। साथ ही साथ भारत ने इस मुकाबले के साथ साथ अब भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच दौरा भी खत्म हो चुका है। अब भारत को इंग्लैंड के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ दौरा खेलना है। हम आपको बता दें, कल से भारत और वेस्टइंडीज के बीच लंबा दौरा शुरू हो जाएगा। इस दौरे में सबसे पहले 3 एकदिवसीय मुकाबले खेले जाएंगे, तो फिर वहीं 5 T20 मुकाबले होंगे। इस पूरे दौरे की मेजबानी वेस्टइंडीज की टीम करेगी, इसलिए भारत की टीम वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें, BCCI ने इस दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया हुआ है, जिसमें शिखर धवन भारतीय टीम के नए कप्तान रहने वाले हैं। तो वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा गया है। दोस्तों, इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी वेस्टइंडीज के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी इंग्लैंड में भी भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच इंग्लैंड में मुकाबला देखते हुए नजर आए थे। अगर महेंद्र सिंह धोनी ऐसे ही भारतीय टीम के साथ रहते हैं तो फिर ये भारतीय खिलाड़ियों को कुछ वैल्यूएबल टिप्स देते रहेंगे और भारतीय टीम को जीत रिटायरमेंट के बाद भी अहम योगदान देते रहेंगे। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच मुकाबला हुआ था, तब उसमें ड्रेसिंग रूम में भी महेंद्र सिंह धोनी पहुंच गए थे। उन्होंने वहां पर भी भारतीय युवा खिलाड़ियों के साथ काफी बातचीत की और उनको काफी टिप्स दी। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस दौरे में सबसे पहले बाद और वेस्टइंडीज की टीम के बीच कल से 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे, जो कि शाम 7 बजे से शुरू होंगे। तो वहीं इसके बाद भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 T20 मुकाबले की सीरीज खेलनी है, जो कि 8 बजे से शुरू होगी। ये सभी मुकाबले बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि युवा भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप इस बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।